एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन ऑर्बिट चैनल। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम, जिसे हिंदी में हम राजनीतिक तंत्र या राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है? Political system means a set of formal legal institutions that constitute a state. यानी कि राजनीतिक तंत्र एक कंट्री के लोगों को कंट्रोल करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, कई कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है। तो हर एक जगह, हर एक कंट्री में उसकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक अलग लीगल या एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। तो ये सभी क्या है? राजनीतिक तंत्र है जो एक देश को चलाता है। सो एक्चुअली पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट या गवर्नमेंट को ही कहते हैं। सो हियर आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। तो पॉलिटिकल सिस्टम के 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आइडियोलॉजी, विचारधारा, जैसे कि डिक्टेटरशिप की क्या विचारधारा है, डेमोक्रेसी में क्या विचारधारा होती है कंट्री को चलाने के पीछे। द सेकेंड इज स्ट्रक्चर, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। द थर्ड इज़ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। फोर्थ इज़ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड द फिफ्थ इज़ बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी। तो इन एलिमेंट्स में से हमें थर्ड एलिमेंट यानी कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस करना है। और फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडल गैब्रियल आलमंड ने दिया था, और इसे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मलिज्म भी कहते हैं। हर एक कंट्री का स्ट्रक्चरल फॉर्मलिज्म अलग होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का स्ट्रक्चरल फॉर्मलिज्म अलग होगा और डेवलप्ड कंट्रीज़ का स्ट्रक्चरल फॉर्मलिज्म अलग होगा। सो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटी में अपने आप इनकल्केट करता है, और इसीलिए इनपुट फंक्शंस नॉन गवर्नमेंटल सब सिस्टम्स में देखने को मिलते हैं। और आउटपुट फंक्शंस के थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटी या कंट्री को फॉर्मली कुछ चीज़ें लागू करता है सोसाइटी या कंट्री पर, और इसीलिए आउटपुट फंक्शन गवर्नमेंट सब सिस्टम्स में देखने को मिलते हैं। नाउ इनपुट फंक्शंस आर ऑल्सो ऑफ 4 टाइप्स। द फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, सेकेंड इज़ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, थर्ड इज़ इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड फोर्थ इज़ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। और आउटपुट फंक्शंस 3 तरह के होते हैं, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। तो पहले हम इनपुट फंक्शंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट आउट ऑफ इनपुट फंक्शन इज़ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मीन्स राजनीतिक समाजीकरण, और राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में आचार और व्यवहार के नियम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाए जाते हैं। और ये प्रक्रिया अचेतन है जो कि लगातार चलती रहती है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना सीखते हैं। और लोग पॉलिटिकली कैसे इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में? सबसे पहले तो फैमिली से। फैमिली में पॉलिटिकल सिस्टम की आइडियोलॉजी हमें प्रभावित करती है। दूसरा पीयर ग्रुप्स, यानी कि जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं, या मित्र समूह जिसे हम कहते हैं। थर्ड इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे स्कूल या कॉलेजेस में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल डूसू। एंड लास्ट इज़ पॉलिटिकल यूथ ग्रुप्स और स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह। तो ये सभी ग्रुप्स पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का काम करती हैं, जिसे लोग पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएं, चाहे फिर वो पैसिवली ही क्यों ना इन्वॉल्व हो। और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट क्या है? तो जहाँ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ख़त्म होता है, वहाँ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट फंक्शन की शुरुआत होती है। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट में जनरल पब्लिक को ट्रेन करके पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है, और उसे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सूटेबल बनाया जाता है। जैसे कुछ लोग कार्यकर्ता बन जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाते हैं, या अपनी ही नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। द सेकेंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज़ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। सो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सी, सिटीजन्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें स्टेट एक्शन की ज़रूरत होती है।
और इन्हीं प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन के लिए सिटीजन्स गवर्नमेंट से अपनी मांगों की अभिव्यक्ति करते हैं. एंड नाउ द इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फोर टाइप. द फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, सेकेंड इज एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, थर्ड इज नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड फोर्थ इज एनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स. तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि संस्थागत समूह जो होते हैं, जैसे चर्च, आर्मी, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, ये सभी क्या हैं? इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स हैं. और इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स बहुत ही फॉर्मल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर, फंक्शंस और एक्टिविटीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होती है. और ब्यूरोक्रेट्स, एग्जीक्यूटिव्स क्योंकि प्रोफेशनल और पावरफुल होते हैं, तो ये अपनी डिमांड्स पॉलिटिकल सिस्टम की अथॉरिटीज़ तक ईजिली पहुँचा सकते हैं. एंड द अथॉरिटी इज़ फोर्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली. द नेक्स्ट इज़ एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि ऐसा समूह जो संगठित हो, जैसे ट्रेड यूनियंस, एसोसिएशन ऑफ मैनेजर्स, बिजनेस, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ग्रुप्स भी पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े होते हैं. तो ऐसे समूहों के अपने उद्देश्य और अपनी डिमांड्स होती हैं, जैसे ट्रेड यूनियन का इंटरेस्ट है कि लेबर्स के लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम वेज होनी चाहिए. तो यहाँ ट्रेड यूनियन में हज़ारों लोग एक साथ एसोसिएट होकर अपनी डिमांड्स पॉलिटिकल सिस्टम या स्टेट के सामने रख सकते हैं. द थर्ड इज़ नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स. नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो सेम रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं अपने रिलीजन या कम्युनिटी की डिमांड्स को पॉलिटिकल सिस्टम में रखने के लिए. ये ग्रुप्स चाहे एसोसिएटेड नहीं होते, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, लेकिन अपनी जाति, फैमिली या कम्युनिटी की पोजीशन की वजह से पॉलिटिकल सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूर होते हैं. और इनकी डिमांड एक इनफॉर्मल डेलीगेशन या प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मिनिस्टर या ऑफिसर्स तक पहुँचाई जाती है. तो ये डेलीगेशन कैसा होगा? इनफॉर्मल होगा. द फोर्थ इज़ एनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स. एनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स छोटे ग्रुप्स होते हैं जो किसी डेमोन्स्ट्रेशन या दंगे फसाद की वजह से स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो जाते हैं, और इन्हीं छोटे गुटों की डिमांड या इंटरेस्ट भी पॉलिटिकल सिस्टम में आर्टिकुलेट हो जाती है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज इंटरेस्ट एग्रीगेशन. इंटरेस्ट एग्रीगेशन इज द सॉर्टिंग आउट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड्स आर्टिकुलेटेड बाई डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. तो जो भी डिमांड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरफ से पॉलिटिकल सिस्टम या स्टेट के पास आती है, उनके एकत्रीकरण को इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहते हैं. और स्टेट इंटरेस्ट एग्रीगेशन कैसे करेगा? स्टेट हर एक इंटरेस्ट ग्रुप्स की डिमांड्स को कंबाइन करेगा, एकोमोडेट करेगा और उनके पीछे के कॉजेज को जानेगा और उनके पीछे के कारण को देखकर जनरल पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करेगा. और इंटरेस्ट एग्रीगेशन या तो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं या रूलिंग एलीट यानी कि जो पार्टी सत्ता में है, या फिर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के लिए एजेंसीज बना दी जाती हैं जो ये काम करती हैं. फॉर एग्जांपल वुमेन राइट्स या नारी अवस्था के लिए वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन नारी अवस्था से जुड़ी डिमांड्स को देखते हुए पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे नेशनल परस्पेक्टिव प्लान फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट. लाइकवाइज ट्रेड यूनियंस के लिए वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसीज बनाई जाती हैं. तो इस तरीके से इंटरेस्ट डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट को एग्रीगेट किया जाता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मॉडर्न सोसाइटी में पॉपुलेशन काफ़ी डाइवर्स होती है, जैसे एथनिक, लिंग्विस्टिक और कम्युनल डाइवर्सिटी होती है, पॉपुलेशन में विभिन्नता होती है. तो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स की डिमांड्स को एग्रीगेट या एकत्रीकरण करना डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन ग्रुप्स की डिमांड कन्फ्लिक्टिंग या विरोधी भी होती है. इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, जनरल पॉलिसीज बनाता है जिसमें सभी ग्रुप्स की डिमांड पूरी की जा सके. द फोर्थ एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज़ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. तो अभी तक हमने तीन फंक्शंस डिस्कस किए हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, सेकंड इज़ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, थर्ड इज़ इंटरेस्ट एग्रीगेशन. एंड नाउ ऑल दीज थ्री फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम
आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो सभी तरह के इंटरेस्ट राजनीतिक संचार व्यवस्था के द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं, और जब इन सभी इंटरेस्ट का एकत्रीकरण होता है तो वो भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू ही रिलेवेंट अथॉरिटीज़ और ग्रुप्स तक कम्युनिकेट किया जाता है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बिना पॉलिटिकल सिस्टम काम नहीं कर सकता, इसीलिए एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम में एक इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होना ज़रूरी है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर संचार के साधन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे रेडियो और टेलीविज़न, और प्रेस पर भी कई डोमिनेटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स का दबदबा होता है, तो प्रेस की इंफॉर्मेशन भी काफ़ी हद तक बायस्ड होती है। एंड द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ द लोअर लिटरेसी रेट। डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोअर लिटरेसी रेट के कारण इंफॉर्मेशन हर एक पर्सन तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर या मास मीडिया के थ्रू ही पहुंचाई जाती है, और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में अपने ही न्यूज़पेपर प्रिंट करती है, तो यहाँ भी पॉलिटिकल सिस्टम की सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ही सिटीजन्स या इंटरेस्ट ग्रुप तक पहुंच पाती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज़ आउटपुट फंक्शंस। तो आउटपुट फंक्शन भी तीन सब फंक्शंस में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज़ रूल मेकिंग, सेकेंड इज़ रूल एप्लीकेशन, एंड थर्ड इज़ रूल एडजुडिकेशन। सो फर्स्ट इज़ रूल मेकिंग, एंड रूल मेकिंग इज़ मोस्टली डन बाय द लेजिस्लेचर एंड पार्टली बाय द एग्जीक्यूटिव। तो रूल मेकिंग का मतलब है लॉ बनाना, और लॉ कैसे बनता है, लोकसभा और राज्यसभा में बिल प्रेजेंट किया जाता है, फिर उस पर मेजॉरिटी वोट्स आते हैं, मेजॉरिटी वोट्स आने के बाद बिल जो है दोनों सभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट को दिया जाता है, और प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद वो बिल लॉ बन जाता है, और इसी पूरी प्रोसेस को रूल मेकिंग कहते हैं। तो रूल मेकिंग यानी कि विधानमंडल के बनाए हुए जो भी लॉज हैं वो रूल मेकिंग में आते हैं। और सेकेंड है रूल एनफोर्समेंट, अब लॉ बन तो गया लेकिन उसको एनफोर्स कैसे किया जाए, उसको एनफोर्स कौन करेगा, उसको एनफोर्स करते हैं हमारा प्रबंधक वर्ग यानी कि एग्जीक्यूटिव्स, तो जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जैसे कि कोई लॉ बना उसे अप्लाई कैसे किया जाएगा। द थर्ड इज़ रूल एडजुडिकेशन, अब रूल बन भी गया एनफोर्स भी हो गया लेकिन उसका एडजुडिकेशन कैसे होगा, एडजुडिकेशन के अंदर हमारी न्यायिक व्यवस्था आती है, जुडिशरी आती है। तो रूल एडजुडिकेशन के अंदर ये देखा जाता है कि जो रूल लेजिस्लेचर ने बनाया है और जो इन्फोर्स किया है वो किस तरीके से इन्फोर्स हो रहा है, क्या वो लीगल है क्या लीगल नहीं है। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बनाए रूल्स को टेस्ट कर सकती है। तो जुडिशरी के जो भी एक्शंस हैं वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल से फ्री होंगे, जुडिशरी पर ना तो लेजिस्लेचर का कंट्रोल होगा न एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होगा। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस टॉपिक का क्रक्स है कि पॉलिटिकल फंक्शन दो तरह के होते हैं, इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन नॉन गवर्नमेंटल सबसिस्टम में होते हैं, आउटपुट फंक्शन गवर्नमेंटल सबसिस्टम में होते हैं। और इनपुट फंक्शन चार तरह के होते हैं, आउटपुट फंक्शन तीन तरह के होते हैं। इनपुट फंक्शंस फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, सेकंड इज़ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, थर्ड इज़ इंटरेस्ट एग्रीगेशन, फोर्थ इज़ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और आउटपुट फंक्शन इज़ रूल मेकिंग, रूल एनफोर्समेंट एंड रूल एडजुडिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। होप आपको ये टॉपिक अब समझ में आ गया होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।